हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टेक टीआरवी। दोस्तों मेरा नाम है विकास और आज के इस वीडियो में जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग करने वाले हैं फुल रिव्यू, वो भी इस रियलमी बर्ड्स का जो कि एक वायरलेस ईयरबड्स है। और दोस्तों इस वीडियो में जैसे कि मैं प्रोज और कॉन्स बताने वाला हूँ, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सो उसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप लोग न्यू है इस वीडियो में तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक टीआरवी में। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं Realme Buds का रिव्यू, फुल रिव्यू, जो कि प्रोज और कॉन्स के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं, मतलब कि क्या इसमें अच्छाई है और क्या बुराई है, ठीक है। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने इस Realme Buds का अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही में ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हो। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके प्रोज की बात करूंगा मैं, जो पहला पॉइंट है और जो मुझे बहुत ही काफी अच्छा लगा है इसके लुक्स काफी जबरदस्त है। येलो और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाएगा ये आपको। आप कभी भी इसे वेयर करके घूमोगे या फिर कोई भी फंक्शंस में जाओगे तो यार आपको ये काफी चीजें सूट करेगी, मतलब आपको काफी अट्रैक्टिव दिखने वाले हो इस कलर कॉम्बिनेशंस के वजह से। काफी लोगों को ब्लैक भी पसंद आएगा, लेकिन ब्लैक अवेलेबल नहीं है, लेकिन ब्लैक से भी ये ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त है। सेकेंड चीज इसमें मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो है इसका वेट इतना हल्का है कि अगर आप लोग इसके पूरे दिन वेयर करके घूमते रहोगे या फिर ऑफिस में काम करते रहोगे या फिर एक बिंग स्टूडेंट या फिर बिंग प्लेयर, आप इसे पूरे दिन यूज कर सकते हो। और इसका जो वेट इतना हल्का कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके गले में ये रियलमी वायरलेस बर्ड्स है करके। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करूं तो वो काफी अच्छी है, जो कि है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो नेकलेस है वो इतना फ्लेक्सिबल है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और इसमें कुछ भी इश्यूज नहीं होने वाला है आपको काफी हद तक। जैसे कि आप मैं देख रहा हूँ कि मैंने इसे कितना बार फोल्ड किया हूँ, कितनी बार स्ट्रेच किया हूँ, ये पूरा काफी अच्छे रबर और प्रीमियम रबर से बना हुआ है इसका नेकलेस। और ये आपको एक स्वेट प्रूफ है, मतलब कि आपको इसमें इसके वजह से जो रबर है, रबर की क्वालिटी की वजह से आपको स्वेट नहीं होने वाला है। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीके का रबर यूज किया हुआ है और इसमें वायर यूज किया हुआ है। पॉइंट नंबर फोर की बात करूं तो गाइस इसके अंदर जो आपको बटन दिया हुआ है ये सारे, ये काफी जबरदस्त है और इसके जो फील है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब इतनी भी हार्ड नहीं है ये बटन, काफी सॉफ्ट है और आपको ये रेस्पॉन्स बहुत ही स्मूथली देने वाला है। इस Realme वायरलेस बर्ड्स का जो फीचर दिया हुआ है बटन्स के, वो काफी अलग तरीके से हैं बाकी सभी से। जैसे कि यहाँ पे अगर एक बार आप R दबाओगे, इसका लोगो बटन दबाओगे, तो यहाँ पे आप म्यूजिक प्ले और पॉज कर सकते हो, साथ ही में कॉल अटेंड कर सकते हो। अगर इस R बटन को दो बार दबाओगे तो आप नेक्स्ट सॉन्ग पे जाओगे, और तीन बार प्रेस करोगे तो प्रीवियस सॉन्ग पे आओगे। अगर आपको कॉल रिजेक्ट करना है तो उसे थोड़ी देर आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा, और अगर आपको गूगल असिस्टेंट यूज करना है तो आपको 5 सेकंड के लिए उस R बटन को दबा के रखना पड़ेगा। सो ये जो फीचर्स है वो सिर्फ एक ही बटन से पूरा ऑपरेट होएगा, और प्लस और माइनस की जो बटन है वो वॉल्यूम्स को अप डाउन करने के लिए ही है। और जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे R बटन दिया हुआ है, उसी तरह यहाँ पे ईयर टिप्स पे R बटन का लोगो दिया हुआ है, जो कि एक ब्रांड लोगो है, और ये काफी जबरदस्त दिखता है। जब आप इसे वेयर करोगे तो दोनों साइड में आपको R बटन का ब्रांडिंग दिखेगा, जो कि एक काफी जबरदस्त लुक देता है इस हेडफोन को। इस Realme Buds वायरलेस को ऑन करने का तरीका काफी अलग है बाकी लोगों से, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ईयर बर्ड्स, आपका ईयर टिप्स मिलता है, उसे आपको डी अटैच करना पड़ेगा, तभी जाके ये ऑन हो जाता है और आपको यहाँ पे एक लाइट मिल जाएगी जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये ऑन हो चुका है। दूसरी बात, इसकी जो कनेक्टिविटी अपने स्मार्टफोन से वो काफी ईजी है। अगर आपका फोन एक बार इसे पैर कर लिया है तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप इसे डी अटैच करो या अटैच करो तो ये ऑटोमेटिकली विद इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर ये आपके फोन को पैर कर लेगा, चाहे फोन आए चाहे आप म्यूजिक सुन रहे हो, और उसे तुरंत ही आपके फोन से ट्रांसफर कर देगा इस ईयरबड्स में। आप इतना तो समझ जाओ कि कितना फास्ट है ये इसका जो कनेक्टिविटी है आपके स्मार्टफोन के साथ। और इसी के कारण इसकी जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि यहाँ पे आपको 1.5 आवर के चार्जिंग के ऊपर
पूरे एक दिन यूटिलाइज करने मिलेगा, मतलब कि आप इसके ऊपर कंटिन्यूसली होल डे निकाल सकते हो। लेकिन कुछ कुछ समय के लिए म्यूजिक्स, तो कुछ कुछ समय के लिए इसे ऑफ रखना। सो इसके वजह से काफी सारे आपको सेविंग्स मिलेंगे इसकी बैटरी लाइफ की। और अगर आप लोग कंटिन्यू इसके ऊपर मूवीज देखना चाहोगे तो दो मूवीज जो कि 6 घंटे तक इसका बैटरी बैकअप देगा इस 1.5 घंटे के चार्जिंग पे। तो अगर आप लोग इसे रफ एंड टफ यूज करोगे तो 6 घंटे का इसका बैटरी बैकअप देगा। लेकिन अगर आप इसे कुछ कुछ समय के हिसाब से यूज करोगे तो आपको होल डे यूज करने मिलेगा। ये एक ओवरऑल काफी अच्छा है। अब मैं इसकी बात करूँ साउंड ड्राइवर की, मतलब इसकी अंदर से साउंड क्वालिटी कैसी आती है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो मूवी हो या फिर कॉल रिकॉल हो, यार टोटली ओवरऑल आउटस्टैंडिंग साउंड आता है इसके अंदर। लेकिन म्यूजिक और मूवीज के टाइम जरा भी मुझे लैग नहीं मिला है और वोकल्स काफी जबरदस्त है, बेस भी काफी अच्छे हैं। और यहाँ पे अगर आप पबजी खेलोगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको लैग मिलेगा, क्योंकि वो एक अलग गेमिंग प्रोसेस होता है जहाँ पे जो एक हाई डेफिनेशन ऑडियो देता है, लेकिन ऑडियो आउटपुट काफी जबरदस्त आएगा, बस कुछ सेकेंड्स के लिए लैग रहेगा, 0.01 सेकेंड्स का लैग रहेगा। तो ये ओवरऑल हेडफोन म्यूजिक के लिए भी अच्छा है, गेमिंग के लिए भी अच्छा है और कॉलिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा है। सो गाइस, अभी तक तो हम लोग ने बात किया प्रोस के बारे में, अब हम बात करेंगे इसके कॉन्स के बारे में, जो कि रियलमी बर्ड वायरलेस है। सो गाइस, इसके अंदर मुझे कुछ 4 से 5 चीजें अच्छी नहीं लगी और वही चीज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। गाइस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो कैसा लगा या कैसा नहीं लगा, ठीक है। सो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, आप अगर कॉन्स को साइड में रखो तो प्रोस काफी अच्छे हैं और उसी में से कुछ अच्छों में से कुछ गलत भी है। जैसे कि ये आर बटन, ये आर बटन कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता है। मे बी द रीजन कि अटैच नहीं होगा, या फिर मे बी द रीजन कि काफी लैग हो रहा है, अब बटन को प्रेस करने के बाद जो मोशन होने चाहिए, जो एक्शन होने चाहिए, वो चीज नहीं हो रहा है। सेकेंड चीज, इसकी जो माइक की इनपुट है वो थोड़ी सी खराब है, या फिर वो हो सकता है कि नेटवर्क की वजह से हो, क्योंकि ये चीज मैंने काफी बार नोटिस किया इन 15 दिनों में कि जो सामने वाले को साउंड क्वालिटी प्रॉपरली जाती नहीं है, क्योंकि कहीं पे हो सकता है कि नेटवर्क इश्यू हो या फिर माइक में प्रॉब्लम हो, हो सकता है कि ये सिर्फ मेरे डिवाइस के साथ हो। तीसरे कॉन्स की बात करूँ तो ये पावर ऑन ऑफ के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक तरीके से कम होना चाहिए था। द रीजन इज कि अगर आपको कभी मैं इमरजेंसी में कॉल करना हो और ये अटैच्ड हो, आपने कॉल भी कर दिया बंदे को, लेकिन आपका फोन में ही साउंड आ रहा है आपके सामने वाले को फोन से ही, तो आप डायरेक्टली फोन उठा के बात करोगे, ना कि ईयर प्लग्स उठा के बात करोगे, क्योंकि इसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि फोन ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बात करूँ। ऐसा मेरे साथ काफी बार हो चुका है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये जब भी अटैच हो जाता है तो बंद हो जाता है। ऐसे कुछ फीचर्स होने चाहिए जैसे कि ये अटैच होने पे बंद हो, लेकिन जब पैड हो एक दूसरे से दोनों स्मार्टफोन और बर्ड्स, तो यहाँ पे ये बंद नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने लैग मिला है मुझे, जब मैं पबजी खेल रहा हूँ या फिर कुछ मूवीज देख रहा हूँ तो वहाँ पे एक हल्का सा लैग मिला है, क्योंकि पबजी की तो एक हाई डेफिनेशन की जो प्ले होती है, जो साउंड ड्राइव होता है, वो काफी अलग होती है, तो वहाँ पे फास्ट मूवमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हल्का सा एक लैग होता है, क्योंकि एक वायरलेस डिस्टेंसिंग है इसके वजह से। अगर मैं नेक्स्ट कॉन्स की बात करूँ तो इसकी जो ईयर टिप्स है, इसके वजह से मेरी ईयरिंग में पेन होने लगता है, काफी कंटिन्यू देर तक मैं पहन के रखता हूँ तो कभी कभी तो पता भी नहीं चलता कि मैंने ईयरफोन डाला हुआ है। लेकिन जब ये ईयर पीस बर्ड्स की वजह से जब मुझे पेन स्टार्ट होने लगता है, तब मैं उसे निकाल देता हूँ और फिर मैं वापिस से यूज करता हूँ। तो बीच में मैंने क्या किया, ये जो ऊपर के बड़े वाले टिप्स है उसे निकाल दिए और मैंने नॉर्मल यूज किया, तो यार मुझे पेन नहीं होने लगा। सो गाइस, अगर आपको पेन होता है तो इसे इस बर्ड्स को निकाल देना, ऊपर वाले टिप्स को, और उसके बाद आप वेयर करके ट्राई करना। नॉट बट द लिस्ट, ये भी एक इग्नोरेंस की टाइप है, जैसे कि अगर आप इसे वेयर करके रखते हो कंटिन्यूसली, तो ये जो एंगल एक इस तरीके से सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, लेकिन जब भी मैं एक ईयर में इसे कंटिन्यू वेयर करके रखता हूँ तो ये स्लोली कुछ इस तरीके से यहाँ पे नीचे आ जाती है, मतलब आधा ऊपर और आधा नीचे इतना लेंथ हो जाता है कि ताकि कभी कभी हमें इश्यूज भी हो सकते हैं, लाइक कि पेन होना ईयर में इसके वजह से भी हो सकता है, क्योंकि वायर स्ट्रेच होने लगता है, तो एक हिसाब से ये भी एक पेनिंग के कारण हो सकते हैं ईयरबड्स में, बट एक्चुअली में इसे कुछ इस तरीके से हमेशा सेंट्रलाइज होना चाहिए। सो गाइज, मुझे उम्मीद है आपको इस रियलमी बर्ड्स का प्रोज और कॉन्स के बारे में पता चल गया रहेगा। कभी कभी हमें कॉन्स को भी इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि प्रोज इतने सारे हैं जो कि हमें इसे इस कॉन्स को इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो
ओवरऑल देखा जाए तो ये हेडफोन काफी जबरदस्त है, काफी यूनिक डिजाइन है, काफी अच्छा साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करता है। और इसी बात पे इस वीडियो को जरूर लाइक करना, साथ ही में इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली को। नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी दबा देना। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग और जय हिंद।